ये आपका अपना ही क्लब है, तशरीफ लाइए ना। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ, इस क्लब में कब बने? जी मैंने कल ही चार्ज संभाला है। दरअसल पिछला मैनेजर नहायत बेहूदा और बोगस किस्म का आदमी था। हमारे कस्टमर्स को हमेशा उससे शिकायत रहती थी और मैं तो हर कस्टमर को यही कहता हूँ कि ये आपका अपना क्लब है, हम तो बस आपके खिदमतगार हैं। अंधे हो, बहरे हो, देख नहीं रहे हो, मैं गाना गा रही हूँ, बीच में डिस्टर्ब ना करो, ना करो। मेरे तो दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिस्टर मैनेजर, तुमने तो कहा था कि ये क्लब आपका अपना है। मैं अपनी बात पर 100% कायम हूँ, ये आपका अपना क्लब है। तो फिर बजाने दो तबला, मैं तो अपने घर में ही से ऊंचा गाती हूँ और तबला बजाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज आली साहिबा, ये क्लब हरगिज़ आपका नहीं है। इस क्लब के मालिक तो एसके नैयब है। लेकिन तुम तो कहते थे कि मैं झूठ बोलता था, बकवास करता था, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, पता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए कह रहा था। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। चलाओ गाड़ी, जल्दी करो, और तेज और तेज। आज मैं उस मां को मिलने जा रहा हूं जिसने 25 बरस पहले मुझे घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि मैंने कहा था। अम्मी जान, मैं आपकी हर तमन्ना और हर ख्वाहिश के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे रजिया से शादी पर मजबूर न कीजिए। वहीं देखिए अम्मी जान, अगर आपने मेरी एक गोबर थापने वाली लड़की से ही शादी करनी थी तो फिर मुझे आला तालीम क्यों दिलवाई? मैं अपनी हैसियत से कम लड़की से हर की शादी नहीं करूंगा। अगर हैसियत की बात है तो फिर अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को भी बदल डालो, जिसने कर्ज उठा उठा के तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी हैसियत बदल डाली। ये बात नहीं है अम्मी जान। तो फिर कान खोल कर सुन लो वही, मैं अपनी यतीम भतीजी रजिया से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसके बाप को जबान दी। मैं आपकी बेजा जिद की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता।
तो फिर मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अम्मी जान, मुझे अपनी अम्मी मत कहो। जिद न कीजिए अम्मी जान। अगर ये जिद है तो फिर तुम जैसे बेटे से ज्यादा आती है। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहती हूँ सुना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। अम्मी जान, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसकी सजा मैं आज तक पा रहा हूं। बोलिए अम्मी जान, आप मुझसे माफ कर दीजिए। बोलिए अम्मी जान। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, लेकिन मौत ने इतनी मोहलत नहीं दी कि तुम्हारी सूरत देख सकती। बेटे, राबिया मेरी यतीम भतीजी रज्जू की बेटी और अपनी माँ की जरा बदनसीब है। ये भी बचपन ही में यतीम हो गई थी, अब इसका कोई सहारा नहीं। उसे इस मान पर तुम्हें सौंप रही हूँ कि तुम उसे सर छुपाने की जगह जरूर दोगे और अपनी माँ की रूह को तस्कीन पहुँचाओगे। अगर ऐसा न कर सको तो उसे यतीम खाने छोड़ाना। बीती गांव चला गया। ओह बोगस मैन, इफ़ी उठ गया? अभी तो ना उठा, मगर आपकी गरज चमक के शोर ने उठा ही दिया। अरे मम्मी, अगर आप ही बच्चों के आराम का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? ओ सॉरी बेबी, तुम रात कब आए थे? आप कब आए? 2 बजे हैं, मुझसे 1 घंटा पहले। कमाल है, डैडी नजर नहीं आ रहे। ओ वो बोगस मैन, सुना गांव चला गया है। बड़ा शौक है उन्हें भी बैकवर्ड लोकेशंस पे जाने का। आता देखो कौन है। अच्छा शाम आ गए। कम ऑन इफी, आज तुम्हारे डैडी से दो दो हाथ हो ही जाने चाहिए। बिना बतलाए पता नहीं कहाँ आवारा गर्दियां करते हैं। None of my business मम्मी, आप जाए। चला के साहब गांव गए, सोचा ना जाने क्या सौगात लेकर आएंगे। मगर ये मेरी अम्मी जान मरहूम की आखिरी निशानी, वक्त और हालात ने इसे सौगात बना के ही मुझे सौंपा है। और तुम भी इसे सीने से लगाकर माँ का वो प्यार दे दो जिससे ये अम्मी जान के मरने के बाद एक बार फिर महरूम हो गई थी। तुम्हारी माँ मर गई? ओह चलो अच्छा हुआ।
कान पक गए थे तुम्हारी आहें सुनते सुनते। हाय न जाने अम्मी किस हाल में होंगी, और मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, और अब उनके सामने जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊं, जैसे मैंने तुम्हारे चेहरे पर स्याही मलकर तुम्हारी सूरत बिगाड़ दी। नीनू, ये मजाक का वक्त नहीं। मजाक का ताल्लुक खुशी से है, और बाय गॉड मैं तो दुखी हुए ये सोच रही हूँ कि आप किस अपाहज रिश्तेदार को कौन सा सर्वेंट क्वार्टर खाली करवा कर दूं। नीनू बेगम, ये मेरी अम्मी जान की लाडली है, ये घर में बिल्कुल उसी तरह रहेगी जिस तरह इसी। विधि नीनू, मैं आज तक तुम्हें और तुम्हारी ज्यादतियों को अपनी सजा समझकर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर राबिया की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी, डैडी ये क्या चीज उठा ले? अपनी शामत को। आज बीजी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, अगर मैंने इसको इस बदतमीजी का मजा ना सिखाया तो मेरा नाम भी मीनो ने। राबिया बेटी, मैंने अम्मी जान से नाफरमानी करके मीनो के रूप में बड़े दुख उठाए। मैं इस घर का मालिक हूं बेटे, लेकिन यहां अजनबियों की तरह रहता हूं। एक बेटे का बाप, लेकिन उसकी सूरत 8-10 रोज में सिर्फ उस वक्त दिखाई देती है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। राबिया बेटी, अब तुम इस घर में आ गई हो तो जहां मुझे अम्मी जान से की हुई जातियों की तलाफी का मौका मिलेगा, वहां मुझे बेटी के रूप में वो प्यार भी मिलेगा जो बाप होने के बावजूद तब तक मुझे नहीं मिल सका। चाचा जी, मेरी बच्ची। वाह 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 मेम साहब, आज तो आप पूरी मिस लग रही है मिस। और यू शट अप। वो जो कल विधि को गाड़ी का कहा था उसका क्या बना? वो तो आप लोगों को शाबलो भी बता सकते हैं, हमको क्या मालूम तुम किस मर्द की दवा हो। देखिए मेम साहब, हम शाह की नौकरानी जरूर है मगर उनकी फ्रिल फ्रिल नहीं है। तुमसे मिलने से पहले इफी प्यार व्यार का मतलब ही नहीं जानता था प्यारी, तुम मिली हो तो मुझे प्यार ही नहीं, तुम्हारे रूप में एक लिटिल सी प्यारी भी मिल गई। इफी माय डार्लिंग। कुछ नहीं प्यारी, तुम्हारे हुस्न की ये पागल कर देने वाली चमक मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड नाइट। गुड नाइट प्यारी। उफ इफी। हेलो स्वीटहार्ट। अरे अरे क्या हुआ? जा मैं तुमसे नहीं बोलती, कहा लगा दी तुम्हें। आई एम सॉरी डार्लिंग, वो नहीं देना। व्हाट? कौन नहीं? वो मेरे अंकल की बेटी की कजिन की फ्रेंड है ना। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अरे होना क्या था, उससे जरा पटरी से उतर गई। पटरी से उतर गई? क्या कह रहे हो मिस्टर? अरे मिस्टर नहीं, इफी तुम्हारा ही। अब जरा अपना नाम भी बता दो। रुबीना। ब्यूटीफुल, लवली। लेकिन अब से तुम इफी की मां बनो, तुम्हारा नाम आज से रुबीना नहीं प्यारी। रानी नहीं, प्यारी है। कसम है इस बारिश की तुम्हारा जवाब। नाम क्या है तुम्हारा? दुर्रे सदब। दुर्रे सदब, तुम्हारे वाले कुछ जोड़ी वगैरह तो नहीं? व्हाट? मेरा मतलब चंगूठी से, इससे पहन लो। आज से तुम्हारा नाम दुर्रे सदब नहीं, प्यारी। हेलो वहीद बोल रहा हूँ। अगर आप शेख वहीद बोल रहे हैं तो कान खोल कर मेरी बात सुन लीजिए।
अगर आपके बेटे ने अब मेरी बेटी को चक्कर देना चाहा, तो मैं उसकी हड्डियां हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं भी यही चाहता हूं। यकीनन ये दसवां टेलीफोन भी किसी लड़की के परेशान बाप का होगा, तो मैं खुद को गोली मार दूंगा या इसकी को गोली मार दूंगा। हेलो वहीद, आप अपने आप को समझते क्या है? मैं 10 मुकदमे करा दूंगा आप पर, ऐसा अदालत में भिजवाऊंगा कि सारी अकड़ फू निकल जाएगी। अपनी जबान को काबू में रखो मिस्टर, जानते हो किससे बात कर रहे हो? एक आवारा और बदचलन बेटे के बाप से, जिसे मैंने जेल में बंद न कराया तो मेरा नाम भी रशीद साजिद नहीं। बात हो गई इधर, मेरी बेटी की उंगली में अंगूठी पहनाकर 10 और लड़कों को अंगूठी पहना दी। तो जिसने अंगूठी पहनाई है उससे जाकर बात करो। मैं किसी भी आवारा और बदचलन लड़के का बाप नहीं, समझे? रियली डैड, आप मेरे बाप नहीं? एक आवारा बेटे के लिए मेरा यही फैसला है। ओ डैड, आपको कब पता चलेगा कि आपके फैसले की इस घर में कोई अहमियत? इस घर में मैडम मीनू यानी मेरी मम्मी का राज, और उनकी इजाजत के बगैर आप ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। प्लीज इफ़ी, पछतावे के वो दिन जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को अपनी मनमानी करने और मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था, खत्म हो चुके हैं। अब इस घर में वही होगा जो हम चाहें। नो नो डैड, ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। चलिए मम्मी, डैडी का मूड खराब। दीदी, तुमने एक रोज पहले भी ऊंची आवाज में बात की थी और मैं खामोश रही। आज तुम मेरे बेटे के सामने बोले हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी हैसियत जरूर याद दिलाऊंगी, जो शायद तुम भूल चुके हो। मीनू, मीनू ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है। आज उसके डैडी की दी हुई दौलत के सबके में तुम सेठ वहीद और इस घर के मालिक कहलाते हो। शायद भूल गई हो मीनू बेगम, हमारे डैडी ने बीवी के रूप में बिजनेस के लिए जो नासूर मेरी झोली में डाला था उसकी कीमत मैं अदा कर चुका हूँ, असल रकम से कई गुना सूद के साथ। विधि, ऐसा बात करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर इफ्फी ने अपनी आदतें न बदली मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। अरे नौशी, तुम कहाँ नहीं इतने दिन? बड़े घर में, जेल में। बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं यार। यार ये बता, तेरे बाल बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे तो ठीक है, अलबत्ता तुम्हारे बच्चों का बहुत बुरा हाल है। हम आ गए हैं साला, सबको ठीक कर देगा। ए, जेब में कितने पैसे हैं? मेरी जेब में? हाँ हाँ, तेरी जेब में। मरा क्यों जाता है, 2 घंटे में मालूमाल हो जाएगा। निकाल, मैं कहती हूँ निकाल। 350 रुपए 32 पैसे पहले भी तेरी तरफ निकलते, उनका क्या होगा? अरे फिक्र क्यों करता है, सब हिसाब बराबर कर दूंगी। हाँ ए? जरा मार्केट की तरफ तो ले चल। मार्केट की तरफ यानी जेल से निकलते ही वारदात? अरे यार नहीं, जो तुम किसी को दिखा कर उससे पैसे छीन सकोल। नौशी तुम, अच्छा हुआ तुम भी आ गया। नहीं यूं क्यों नहीं समझते कि तेरी मौत आ गई है? नौजी, इन किराए के कुत्ते को वापस भेज दो दादर, वरना पूरी बस्ती के सामने तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। अपनी जबान काबू में रखो नौजी, वरना कसम से लत्ता तोड़ देंगी। Thank you.
वरना लता तोड़ जाएंगी। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दो। हाँ, ये हुई ना बात। अब बोल कितना पैसा है तेरा? 300 रुपए। 300? ये ले। नसीबाजी, नसीबाजी, नसीबाजी।
सीधे बस्ती वाले हमारे काले धंधे की राह में जबरदस्त रुकावट बन चुके हैं। हम किसी वक्त भी उनकी नजरों में आ सकते हैं। हमने ये जमीन इसलिए खरीदी थी कि हम उन लोगों का सफाया कर सके। वह सफाया तो आज ही हो जाता, लेकिन पता नहीं चोगी लोग किधर से आ गया और फिर बस्ती वालों ने भी उनका साथ दिया जी। और तुम मुंह लटकाए यहां चले आए। नौशी को खरीद लो, रास्ता खुद बहुत साफ हो जाएगा। अरे पागल, औरत का दहन खरीदा नहीं जा सकता, उसे किसी मर्द की बाहें ही मोह कर सकती है। बस तुम्हारे वाला है ना, नौशी का बड़ा तैयारी करती है और वो दोनों रहता भी काटा है। अगर उसको अपने धंधे पे लगा लो फिर। बात तो तूने पत्ते की थी। तुम ऐसा करो, तुम राजे को अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाओ। नौशी खुद बहुत समझ जाएगी। तो गुब्बारे बेचकर पेट पालता है बड़ी अच्छी बात है। मैं चोरी और डाके डालकर पैसे कमाती हूँ, ये मेरे लिए बुरी बात है। ये ले। ये क्या? तेरे उन गुब्बारों की कीमत जो मेरी शरारत की वजह से जाए हुए। नौशी, मेरे गुब्बारे अगर तुम्हारे लिए खुशी का बाइस बने और तुम उन्हें जाये करते वक्त पैसे नहीं लगाओ, मैं समझूंगा कि मुझे उनकी कीमत मिल गई। तुम झूठ बोल रहे हो राजा, मैं जानती हूँ। तुम इन पैसों को सिर्फ इसलिए हाथ नहीं लगा रहे हो कि ये चोरी के पैसे हैं। नौशी भूल जाओ कि ये नौशी के पैसे हैं। इन्हें ये जानकर थाम लो कि ये पैसे गुब्बारे खरीदने वाले उनका हक में से एक के हैं, जिनके मुतालिक तुम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है और कहां से आए हैं। नौशी, अगर तुझे नौशी और उसके धंधे से इतनी ही नफरत है तो वो तेरे घर छोड़कर चली जाएगी। तुझे अपने जैसे दुखी और अकेला जानकर आई थी, ये जानकर लौट जाएगी कि पाकिजगी और गंदगी साथ साथ नहीं रह सकती। ओहो, नहीं नौशी नहीं, तुम मेरी बातों का मतलब गलत समझी। मैं सब समझती हूँ राजा, इतने भी बेवकूफ नहीं कि दुनिया को चक्कर दे दूं और तुम्हारी इतनी सी बात ना पूछूं। राजा तुम इस दुनिया में अकेले हो, इसलिए सिर्फ अपने लिए जीते हो, और मैं इस दुनिया में अकेली होते हुए भी इतनी जगह बिखरे हुई हूँ कि अगर ये धंधा ना करूं तो दुनिया वाले मुझे एक चोर लड़की सी जिसम बेचने वाला बेहरा औरत बना दे, वो अपाहज बना दे। राजा जो जीना चाहे तो जी ना सके, जो मरना चाहे तो मर ना सके। साहब, आपने मुझे याद किया है। आओ राजा, बैठो तो सही, ऐसी भी क्या जल्दी है। 50 गुब्बारे दिन में बिके तो बमुश्किल रोटी मिलती है, और अगर कभी देर हो जाए तो बस फिर। मैं चाहता हूँ राजा कि तुम गली गली गुब्बारे बेचने के बजाय मेरे साथ शामिल हो। तेरी कसम जिंदगी सवर जाएगी। सेठ साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इतना जमीर फरोश नहीं कि आप जैसे लोगों के साथ मिलकर बुरा आदमी बन जाऊं। अच्छाई और बुराई का कैसा मिलाप? बिल्कुल ऐसा ही जैसे के नौशी का और तुम्हारा। सेठ साहब, नौशी कौन सी अच्छी है? जेल जाना, वारदातें करना, लोगों को लूटना। नौशी लोगों का रुपया लूटकर गरीबों में बांट देती है और तुम मुल्क का सोना लूटकर गैरों को दे देते हो। राजा, राजा जवान हो, जज्बाती, तभी तो ऐसी बातें करते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, जिंदगी में जब भी कभी जरूरत पड़े चले आना, ये दर तुम्हारे लिए खुला है, खुला ही रहेगा। लेकिन राजा, आपने मुझे याद फरमाया सिर्फ इसलिए कि खुद चलकर तुम्हारे पास आने में
हम अपनी तौहीन महसूस करते हैं। जाहिल गंवार लड़की, तुमने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया। जब तक तुम नहीं आई थी, डैडी मम्मी के सामने भीगी बिल्ली की तरह रहते थे। जो मैं कहता था आप ही लकीर होती थी। लेकिन तुमने न जाने डैडी को क्या खोल कर पिला दिया है। अब मुझे नए नए अंदाज सिखाने लगे। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है 100% तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर से अपनी माँ का इंतकाम लेना चाहती तो याद रखो, तुम अपनी इस एक टांग के सहारे ज्यादा देर उस तूफान के सामने नहीं खड़ी रह सकोगी जो इसी की नफरत की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। मैं किसी इंतकाम के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। तो फिर जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चलती बनो। बस इतनी सी बात, मैं आज ही आपका ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। छोटी बीबी, आपको बेगम साहब ने बुलाया। अच्छा, इतने जालिम हैं ये दोनों, माँ और बेटा। बेचारी बीबी को बार बार बुलाकर तंग कर रहे हैं। गीता दीदी, इतनी हिम्मत तुम में नहीं कि चंद कदम भी चल सको, और भड़काती हो बीबी को मेरे खिलाफ। सुनो लड़की, इस घर में कुतिया का बच्चा तो रह सकता है, मगर तुम जैसी फसादन नहीं। चाची जी, तुम बेदी की माँ के पढ़ाए हुए सबक के सहारे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लड़की, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ साथ उस नामुराद बुढ़िया को कब्र से निकाल के चील कौओं के आगे डाल दूंगी जिसने तुम्हें हमारे लिए रानी तोप बनाकर भेजा। चाची जी, मेरी नानी अम्मा को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। मेरे सामने जबान चलाती है कम्बख्त, तो आ जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। बुढ़िया कम्बख्त खुद तो मर गई और इस मौत को हमारे लिए छोड़ गई। तुम अपनी इस एक टांग के सहारे ज्यादा देर उस तूफान के सामने नहीं खड़ी रह सको जो स्त्री की नफरत की सूरत में तुम्हारी तरफ पड़ेगा। राबिया बेटी, अब तुम इस घर में आ गई हो तो जहां मुझे अम्मी जान से की हुई तलाफी का मौका मिलेगा, वहां मुझे तुम्हारे रूप में बेटी का प्यार भी मिलेगा। देखो लड़की, इस घर में कुतिया का बच्चा तो रह सकता है, तुम्हारे जैसी फसादन नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। चाचा जी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ आई। मैं गांव के कच्चे मकानों में रहने वाली राबिया हूँ चाचा जी। मेरा एक माँ है और यहाँ शीशे के बने घरों में हर कदम सिर्फ इसलिए फिसल जाता है कि उसे कच्ची जमीन पर चलने की आदत है, कच्ची जमीन पर चलने की आदत है। राबिया बेटी, बेटी तुम्हें इस शीशे के घर में रहना होगा, मेरी खातिर, अपनी नानी अम्मा की रूह की तस्कीन की खातिर। बेटे तुम्हें गिर कर संभलना होगा। नहीं चाचा जी, नहीं। इनकार ना करो राबिया बेटी, अगर तुमने इस घर से मुंह मोड़ लिया तो हम तुमसे ही नहीं इस दुनिया से भी मुंह मोड़ लेंगे, हम मर जाएंगे। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तो इस घर से जाने की बात करती और हम तुझे इस घर की मालकन बनाने का सोचे। हम तुझे मालकन बनाएंगे बेटे, मालकन बनाएंगे। कल इफ्फी की सालगिरह है और तेरे चाचा जी
कल सालगिरह में अपना एक फैसला सुनाएंगे जिसे सुनकर एक तूफान उठ खड़ा होगा। बेटे, हम दोनों को मिलकर इस तूफान का मुकाबला करना होगा। गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू सर। सर नहीं, डैडी को। थैंक यू डैडी। इफी, ख्वातीनो हजरात, आज मेरे बेटे इफी की सालगिरह है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई, लिहाजा इस खुशी की तकरीब के मौके पर मैं अपने बेटे इफी और अपनी भतीजी राबिया सुल्ताना की मंगनी का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि राबिया बेटी इफी बेटे के लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगी। मंगनी की रस्म अभी अदा की जाएगी। मम्मी, मैं ये मंगनी। चुपचाप प्रीति के कहने पर चलते रहो, वरना इतनी बड़ी गैदरिंग में तुम्हें तुम्हारे इनकार पर जायदाद से आग भी कर देंगे। पहाड़ में कई जायदाद, ये मंगनी। मंगनियां टूटती और जुड़ती रहती हैं। आज इस महफिल में प्रीति की बात मानकर मंगनी की रस्म अदा कर दो, कल हम किसी महफिल में अपनी बात मनवाकर ये मंगनी तोड़ देंगे। शाबाश। इफी बेटे, ये लो राबिया को अंगूठी पहनाओ। शाबाश, ये लो। ये लो राबिया बेटी, इफी बेटे को अंगूठी पहनाओ। मंगनी के इस बंधन को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इफी और राबिया का मिलन अब उस चट्टान की मानिंद है जिससे टकराकर तुम्हारा हर फैसला पाश पाश हो जाएगा। डैडी, इफी, मम्मी आपके उन फैसलों के सामने हार मान सकती हैं जो मेरी जिंदगी में जहर खोल दे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। डैडी, मैं मर जाऊंगा लेकिन राबिया से शादी नहीं करूंगा। इफी, इफी की जिंदगी आज तक उछलते कूदते गुजरी है। डैडी, मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में हम सफर बनाकर शामिल नहीं कर सकता जो मेरे साथ दो कदम भाग भी न सके। किसी ऐसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता जो किसी महफिल में मेरी बाहों में बाहर डाल के रक्स भी न कर सके। ऐसी कोई अपाहज लड़की मेरे बेडरूम की जीनत नहीं बन सकती जिसे देखकर मैं खुद मफलूज हो जाऊं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है डैडी, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। सुबह सुबह ऐसी शक्ल देखी है, लगता है आज भी फाका ही करना पड़ेगा। खराब, तुम्हारा मतलब है मनुष्य? मनुष्य भी और कंजूस भी। इस बुढ़ापे में आराम करने की बजाय सुबह सुबह मजदूरों को तंग करने आ जाते हो। तुम क्या तंग होएगा, खुदा कसम हम तुमसे तंग है। कितना दिन हो गया तुमने हमको किराया नहीं दिया। ये आराम की कमाई का नहीं, खून पसीने का कमाई का है। टैक्सी टैक्सी और क्या है, छकड़ा 25 रुपया दे आ रही तो 50 रुपए खर्चा। अच्छा बकवास मत करो, मेहरबानी करो, या हमारे को पैसा दियो या हमारे को गाड़ी दियो, हम खुद चलाएगा। तुम चलाएगा? और कौन तुम्हारा बाप चलाएगा? और कोई ख्याल कर चाचे, सारी उम्र तुमने शराफत में गुजारी है, इस उम्र में टैक्सी चलाते हुए अच्छे लगोगे? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, हम चलाएगा। मेहरबानी करो, हम कुछ चाबी दियो। क्या बात है खान, चाबी क्यों मांग रहे हो? वही पुरानी बात, गाड़ी मांगता हूँ तो ये झगड़ा करता, हमारे को पैसा नहीं देता। क्यों साबू, मेरे खान को तंग क्यों करता है? कितना अच्छा है तुम्हारा हम दिल से इज्जत करते हैं। तुमको देखते हैं तो हमको मोहम्मद दरिया खान का माँ याद आ जाता है, खुदा कसम। जिसने छप्पड़ में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। बकवास मत करो, आशी का बच्चा। अरे अरे छोड़ो, ये लो पैसे, ये लो।
अस्सलामुअलैकुम थानेदार जी, कानून और मुजरिम की दौड़ हो रही है। मगर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कल एक नई वारदात करनी है, उसके बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी ये सोच तुम्हें जेल तक ले जाएगी नौशे में। ये सारा कौन सोचता है? बात ये है थानेदार जी, जिस तरह दुनिया गोल है ना गोल, उसी तरह जेल का रास्ता भी गोल है। जहाँ से इंसान चलता है कुछ रोज सजा काटने के बाद वही पहुँच जाता है। अपन तो सिर्फ यही जानते हैं, किसी दिन गहरी दलदल में फंस गई तो वापस ना आ सकोगी। और चले कहाँ? उस रास्ते पर जो सीधा अपने घर जाता है। सीधे रास्ते को छोड़कर चलने वाले अक्सर भटक जाया करते हैं दादल, और छोटी सी गलती हमें बहुत महंगी पड़ती। बस रास्ते में हर तरफ रेड लगी थी, पुलिस की नजरों में भी आ गए थे। ये तो भला वो नौशिका जो हमारे और पुलिस के दरमियान दीवार बन गई। कहीं नौशी ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? पहचान भी लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई मुजरिम किसी दूसरे मुजरिम की मुखबरी नहीं कर सकता। और फिर नौशी तो कानून की नजरों में खुद भी मुजरिम है। कौन? अबे कौन है? सुनता नहीं, पूछ रही हूँ कौन है? ये राजा गुब्बारा वाले का घर है, दरवाजा खटखटाना है तो किसी चोर उचके के घर जाकर खटखटाएगी पुलिस जी? मैं तो राजा की घर वाली बोल रही हूँ। कपड़े बदल रही हूँ कपड़े। ये दरवाजा क्यों तोड़ते हैं साहब जी? कह जो दिया हो तो पुलिस का नाम क्यों लिया? तुझे डराने के लिए। अच्छा, इसका मतलब है जब भी मैं इस घर में दाखिल होना चाहूँ तो जन्नत की खूर का नाम लिया करो। वो क्यों? तुम जैसे नेक लोगों के मुंह में पानी डालने के लिए जो इसी आस में नेकियां की जा रही हैं कि मरने के बाद जन्नत हर खूर मिलेगी। हाँ वो तो मिलेगी, और मुझे तो मिल भी गई। मिल गई है? कहाँ? कहाँ है? है यही कहीं थाली किसी कोने में पड़ी हुई। जरा हमको भी तो दिखा। बहुत सारी चमक चलो है। कौन? राजा की घर वाली। तुझे नहीं पता, अभी अभी तो यहाँ कपड़े बदल रही थी। मुझे देर हो रही है। कहाँ चली? आज रात एक नई क्लब पर हाथ साफ करना है। नौशी, तुम जितने प्यार से मेरा हाथ थामोगे मैं तुम्हें यही जवाब दूंगी कि मुझे प्यार से नफरत है। ये नाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। नौशी, नौशी की झोली में कांटे ही कांटे हैं, और वो कांटे इस झोले में इतने छेद डाल चुके हैं। तुम चाहे इस पर प्यार डालो या नफरत, खाली की खाली रहेगी। खैर छोड़ो, तुम रोजी कमाए हो और अभी मुझे धंधे पर जाना है। अकेली थी, हर जाऊंगी भी अकेली। I mean, कोई पार्टनर? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पार्टनर नहीं बनाया। हाँ मैं इंडिपेंडेंट करती हूँ। मेरा मतलब चांस से था। सॉरी, चांस करने का कोई मूड नहीं। फिर कोई ड्रिंक लीजिएगा? नो थैंक्स।
फिर आपने क्लब में आने की तकलीफ क्यों की? अगर मुझे मालूम होता कि आप जैसे लोग यहाँ आते हैं तो आज भी ना आती। ओहो, आप तो नाराज हो गई। आपको किसने बुलाया था? देखिए, मैं तकल्लुफ में बिलीव नहीं करता, आपसे दोस्ती करना चाहता। कोई हमारा लड़की ढूंढ लीजिए। यहाँ कौन शरीफ दादी आती है? जिससे आप इस वक्त बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? टेढ़ी से टेढ़ी धूम को सीधा कर दिया है मैडम। यू डोंट हैव अ चांस। हेलो जी, क्या मिले? कौन सी? टू लेट स्वीटी, टू लेट। अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया। सी यू। अरे की डाली, सुनो तो। ओह माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत से मेकअप किया और इसने इस थंग दिल देखा भी नहीं। हेलो। क्या बात है? वो मेरी गाय चोरी हो गई। गाय चोरी हो गई? हाँ बाबा, गाय चोरी हो गई है। कहाँ चली गई सारी? वो सारा एक मिनट में घर चक्कर हो गया राजा। ये मर्द क्या चीज है, औरत की आंख में अपनी सारी दुनिया डुबो देता है। और क्या कहूँ यार, अपनों की तरह पूछ, गैरों की तरह शक्की बनकर क्यों पूछ रहा है? उसने यार क्या कहना था, वो मुझे चक्कर देने लगा, लेकिन मैंने भी उसे वो चक्कर दिया है कि जिंदगी भर नहीं निकल सकेगा साला। डरता हूँ नौशी, किसी दिन तेरा ये खुला हुआ अंदाज मेरे लिए इम्तिहान न बन जाए। अपने दिल से कह दे राजा, नौशी मर सकती है, बह नहीं सकती, मिट सकती है, गुमराह नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड?
अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, दूर रहो तो दिल है सुलगता, बिन तेरे एक पल अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ जरूर खींच जाएगी। हाउ आर यू? मर गए। व्हाट? कयामत। कयामत आ गई? क्या कह रहे हो फिर डार्लिंग? देखो एक काम करो, तुम आंखें बंद और दो चार कदम इस तरफ जाओ, फिर मैं तुम्हें आवाज दूंगा। भाई आंख मिचोली खेलते हैं। ओह आई सी। पता नहीं है, कोई पागल सी लड़की, न जाने किसे ढूंढ रही। मैं आऊं? देखना है ना पागल। जाने आज तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलने को दिल चाह रहा है। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, बंद करो चलो, और जब तक मैं आवाज ना दूं आना मत, ठीक है? अच्छा। से टकराना तुम दोनों माँ बेटा अपना वली फर्ज समझते हो, लेकिन अपनी हर कोताही उस वक्त भूल जाते हो जब तुम दोनों को पैसों की जरूरत होती है। कान खोल कर सुन लो बेगम, अब मैं शौहर के रूप में तुम्हारी कोई फजूल बात मानूंगा और ना बाप के रूप में इफ्ती को फजूल खर्ची के लिए कोई पैसा दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। डैडी के इस बदले हुए रवैये की वजह सिर्फ तुम, मगर सुन लो, अगर अपनी आजादी की खातिर मुझे बाप का घर छोड़ना पड़ा तो छोड़ दो, मगर तुम्हें नहीं अपना। डैडी मेरे साथ ही जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं होगी, तुम वादे पे कायम रहो। हमें इन माँ बेटों को हराना है, हिम्मत करो, पत्थर बन जाओ। डैडी तो बिल्कुल पत्थर बन गए हैं मन, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा। हद हो गई, आज हमने न्यू ईयर बनाना है और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। समझ में नहीं आता क्या करें। जी चाहता है अपने आप को गोली मार। ऐसे कंजूस बाप के घर पैदा होने से तो बेहतर था पैदा ही ना होना। यू आर सो स्वीट मम। ओह यू नॉटी बॉय। नौशी आज नए साल की खुशी में गुब्बारे बहुत बिकेंगे। फिर ये कि अगर तुम मुझे इजाजत दो तो। हाँ बोलो रुकती गए। नए साल की खुशी में हर कोई किसी न किसी को तोहफा जरूर देता है, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें अपना जानकर कोई तोहफा दूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं। ए, राजा। अरे भाई आज नया साल है, लोग खुशियां मना रहे हैं और तुम मजदूरी के चक्कर में पड़े हो। सेठ साहब,
मजदूर को नए साल की दशा नहीं, उसे तो सिर्फ मजदूरी से कर्ज। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मजदूरी छोड़कर मेरे साथ शामिल हो जाओ। खुशियाँ तुम्हारा कदम कदम पर इस्तकबाल करें। मुझे अपनी औकात में रहने दीजिए सर। अबे राजा, इन खूबसूरत घड़ियों से प्यार करना सीखो। आओ मेरे साथ, आज की रात तुम्हें खुद ब खुद दामन में समेट ले। लेकिन देखा भी कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। नए साल की इब्तिदा हम करें मोहब्बत से, नए साल की इब्तिदा हम करें मोहब्बत से। रात तेरी जुल्फों में ढले तो दिन निकले तेरी सूरत से। नए साल की इब्तिदा हम करें मोहब्बत से।
है आपका? मेरा नाम इफी, मेरा मतलब है इरफान। इफी तो मुझे प्यार से कहते हैं। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत प्यारा है। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा अपना नाम भी बता दीजिए ना। बताइए ना, क्या नाम है आपका? प्यारी प्यारी। प्यारी। हाँ प्यारी। बड़ा खूबसूरत नाम है। लगता है आपके दामन में प्यार के सिवा कुछ नहीं, जबकि मैं प्यार का प्यासा हूँ। मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे, हाथ तो रोने लगे। मोहब्बत की महरूमी अक्सर मुझे रोने पर मजबूर कर देती। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ये आंसू आपकी खूबसूरत आंखों में न चलके। यानी यानी आप मुझे प्यार देंगी तो फिर मेरी तरफ से ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लीजिए। और आज से आपका नाम प्यारी जी? नहीं, आपका नाम तो प्यारी है ही, मेरा मतलब है आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मगर अभी आपको एक दो रोज और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो अस्पताल का खर्चा? इसकी फिक्र मत करो, अस्पताल का तमाम खर्चा हम अदा करेंगे। तुम नहीं जानते राजा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें कितनी प्यारी है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मैं किसी का एहसान लेना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं भी नहीं रहूंगा। बेकार जिद न करो राजा, और फिर इसमें एहसान की क्या बात है? अब जरूरत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है। अरे देख लिया उस्ताद, हम लोग का सेठ बहुत ग्रेट है। अरे किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, दिल का बहुत नरम है। आखिर हम लोग का सेठ काम आया नहीं? एक तुम्हारा नौशी है जिसको तुम अपना हमदर्द दोस्त समझता है, वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर है। गैर मर्दों की बाहों में बाहें डाल के मौज उड़ा रही है। नहीं, नौशी को कुछ न कहना दादल। अरे तुम हमारा मुंह बंद कर सकता है? सारी दुनिया का तो जबान नहीं बंद कर सकता है। नहीं, वो होटलों में क्लबों में नाचती गाती ऐश करती फिरती है। नहीं, वो तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है राजा? और फिर उसे दोस्तों की क्या कमी? बड़ी बड़ी कारों वालों को छोड़कर तुम जैसे कंगाल को वो कैसे घर डालेगी? उसे दौलत चाहिए, दौलत, लंबी कारें, ऊंचे बंगले, जगमग करते जेवर। ब्यूटीफुल। ये क्या बदतमीजी है? बंदर की तरह दांत मत निकालो। क्या समझ कर तुमने आंख मारी है? अपनी प्यारी समझ कर। क्या आपका आपका नाम प्यारी है ना? हाँ है। तुम्हें से मतलब? मतलब मजाक कर रही हैं आप? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इफी हूँ। वो ये अंगूठी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। I'm so sorry. तुम एक दिन में कितने बदल गए हो? क्या कल मेरे सर पे सींग है? सींग तो नहीं थे। हाँ
बात नहीं जो कल थी। आप सिगरेट क्यों पीती? कल बताऊंगी। आप कहाँ रहती? कल बताऊंगी। कल बताऊंगी, कल बताऊंगी। क्यों, आज क्या है? आज आज मेरी बकरी ने बच्चे देने हैं, मुर्गी ने अंडे देने हैं। बाय बाय, गुड नाइट। लिसन, मुर्गी ने बच्चे देने, बकरी ने अंडे देने, व्हाट रबिश। एक तो राजे का बच्चा न जाने कहां गायब है, अब मैं किसे बताऊं कि कौन? राजा तू? चोट कैसे लगी? कहीं से गिर गया हो? हाँ, बहुत बुलंदी से गिरा हूं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगी है, लेकिन देख लो कितना ढीठ हूं, फिर भी जिंदा बच गया। मेरे यार, तुम भी पागल हो, इतनी बुलंदी पर जाने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, तुम तो मुझे तोहफा देने वाले थे, कहाँ है मेरा तोहफा? मेरे गिरते ही तेरा तोहफा भी टूट कर चकना चूर होगा। ओहो, इसमें उदास होने की क्या बात है, नया आ जाएगा। और अब की बार तो तोहफा मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए। बस दुआ करो कि जिस मुर्गे को फांस रही हूं वो फांस जाए। और बंद करो अपनी बकवास। राजा, तुम समझती हो राजा बेवकूफ है, अंधा है? नहीं नहीं नहीं, वो सब जानता है कि तुम अपनी छोटी छोटी वारदातों की आड़ में गए लोगों के जिस्म गर्म करती हो, अपनी इज्जत बेचती हो। राजा, ये तुमने क्या कह दिया? राजा, क्या कह दिया? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है तुमने? एक गैर मर्द की बाहों में कहकहे लगाते हुए उस नौशी को देखा है जो ये कहती थी कि मैं मर्दों की पिटाई करती हूँ, जेल जाती हूँ, लेकिन किसी गैर मर्द की बाहों में नहीं जाती। अब चुप चुप हो, बोलो जवाब दो, कह दो कि सब कुछ झूठ है, बकवास है। मैं लाख बार कहूँ कि ये झूठ है, तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए बेहतर है कि मैं खामोश रहूं। तुम्हारे पास सौत कहने को है भी क्या? तुम फ्रॉड हो, तुमने गैरों से ही नहीं अपनों से भी फ्रॉड किया है। तुमने उस राजा को धोखा दिया है जो तुम्हें दिलो जान से चाहता था। तुम्हारी पूजा करता था। बस बस, आगे कुछ मत कहना। जो प्यार करते हैं वो इसी तरह इल्जाम नहीं लगाते राजा, वो इसी तरह इल्जाम नहीं लगाते। तुम मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करते हो राजा, तभी एक मर्द की बाहों में देखकर पागल हो गए। नहीं, पागल तो मैं उस वक्त तक था जब तक तुम्हारी पहचान नहीं थी। राजा, आज तो मुझे होश आया है, आज तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। निकल जाओ इस घर से, अब हम दोनों इस छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। जान निकलो यार। राजा, निकल जाओ यहाँ से, उठाओ अपना सब कुछ, मुझे तुमसे प्यार नहीं, नफरत है, निकल जाओ। मैं कहता हूँ निकल जाओ, अपना फोन आया। शाबू का बच्चा खड़ा था, फिर आपका पुत्र बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम, संगाल दे पखैर, ठीक ठाक? क्या पियोगे, चाय ठंडा या निस्वाद? हम तुम्हारा खून पिएगा, हमारे पैसे निकालो। आज तुम कबर नौशी वोशी भी नहीं बचाएगा, बड़ा तुम्हारा हमदर्द बनता था। निकालो मेरा पैसा, खाना खराब। खान साहब, कहां से निकालूं पैसे? टैक्सी का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है, वो वर्कशॉप में पड़ी है और वो भी बगैर कफन के। खाना खराब हमको बेवकूफ बनाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम क्यों नहीं मर गया? तुम्हारा हाथ पांव क्यों नहीं टूट गया? तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटा हो गए। निकालो पैसा। वो खान साहब, मैं टैक्सी में मौजूद नहीं था, डेढ़ा साइज मार गया। अच्छा, डेढ़ा साइज मार गया। उल्लू,
थी। इस गुनाहगार आज ने खुद तुमको कल माल लोड के ऊपर में टैक्सी चलाते देखा है, और हमारा दोस्त बरकी खान है वो भी हमको बताया कि कल सुबह तुम टैक्सी चलाता था। झूठा ओ खान साहब, थोड़ी अखा दी बारी खराब हो गई है। मैं तो आजकल रिक्शा चला रहा हूँ, अगर पेट्रोल इसी तरह महंगा होता गया तो नौबत साइकिल रिक्शे तक आ जाएगी। हमको सब मालूम है, वह शाबू का बचा। जी अब्बा जी, समंदर खान को चक्कर देने की कोशिश मत करो, पहले हमको उस वर्कशॉप का पता बताओ, हम अपनी गाड़ी वापस ले आएगा और उसके बाद तुम्हारे साथ हिसाब करेगा। जल्दी करो बताओ। खान साहब वर्कशॉप का पता वो तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए कि पता काफी दिन हो गए हैं, कभी आज जाऊंगा तो पता करके आऊंगा, आप महीने बाद आके पता कर ले। ठीक है, एक महीने के बाद आएगा, जब तक तुम टैक्सी बेचो और खा जाओ, हम अंधा होके बैठा रहे। हम खा के टैक्सी नहीं छोड़ेगा। पुलिस पुलिस पुलिस, तुम्हारा खाना खराब तुम किधर भागेगा, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे अरे शाबू, क्या हुआ तुझे? अरे राजा, मुझे तो जहन्नम में फेंको, मगर तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ भी तो नहीं। जरूर नौशी की वजह से कुछ हुआ है, जब ही तो वो। क्या हुआ नौशी को? तुम्हें नहीं मालूम, वो परसों शाम की फ्लाइट से कराची चली गई है, मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी। नौशी कराची चली गई? हाँ, और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था, दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को क्लोज दे रहे थे। कौन था वो? चंगा भला था, हट्टा कट्टा था, लेकिन था बड़ा स्मार्ट। तन में आग लगाने लगा है ठंडा ठंडा पानी, Bye.
देना, माफ कर देना, जो हो जाए कोई नादानी, ओ बेलिया ओ जानी, ओ बेलिया ओ जानी। सोच रही हूँ डार्लिंग, प्यारी क्या सोच रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, बड़ी देर से तुम मुसलसल उन बंगलों की तरफ देख रही हो, और फिर ये खूबसूरत आंखें भी तो भीगी हुई, क्या बात, कोई याद आ गया? हाँ। कौन? पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है? बहुत से भी ज्यादा, तुम्हारे प्यार ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। इफी, फर्ज करो अगर तुम्हें ये पता चले कि मैं एक आवारा और बद किरदार लड़की हूँ, तो क्या तुम मुझसे इसी तरह प्यार करोगे? साफ साफ बताओ डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ ना। वो सामने बने बंगले देख रहे हो ना? हाँ। वहाँ कभी टूटी फूटी बस्ती हुआ करती थी, और उस बस्ती में एक अरिमू बाबा रहता था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नौशी था। उन बाप बेटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन फिर भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन दुश्मन ने हमारे मुल्क पर हमला किया, हर तरफ आग बर्बादी तबाही फैल गई, और ये बस्ती भी दुश्मन के हवाई जहाजों की नजर। नौशी इस दुनिया में अकेली रह गई, उसे किसी ने भी सीने से नहीं लगाया, किसी ने भी उसे अपने दामन में नहीं छुपाया, वो अकेले तड़पती रही, रोती रही, जब थक गई तो उसने पेट भरने के लिए चोरी शुरू कर दी। नौशी, तुम्हारा बाप
मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा दूंगा। जा रही मैं ये घर छोड़कर जा रही। तुम्हारे डैडी तो पागल हो गए। ऐसे जालिम शौहर की बीवी बनकर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो ना इसी, आज तुम्हारे डैडी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अगर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई तो कल को मुझे हंटर से मारेंगे। बिल्कुल ठीक है मम्मी, इस घर में हम दोनों का गुजारा नहीं। चलिए मैं आपके साथ। मिस्टर विधि, ये रहा तलाक डिमांड लेटर। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। तो तुम
भी जा रहे हो इफ्फी? यस। जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ इस घर से। अब तुम लोगों की चालाकियों और धमकियां मुझे उन राहों पर नहीं ला सकती जिन राहों पर चलकर तुम लोगों ने मुझे लूटा है। आई से गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। नहीं चाचा जी, नहीं। तुम नहीं समझती राबिया कि दोनों माँ बेटा मिलकर भी मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। इनके हाथों हाथ ही आपकी जीत है चाचा जी। इफ्फी आपका खून है और चाची जी ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ गुजारा है। इन्हें रोक लीजिए चाची जी, इन्हें रोक लीजिए। क्या तुम नहीं समझ? आप तो राजा जी प्यार से कसम चाची जी, इन्हें रोक लीजिए वरना मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मेरे चले जाने से इस घर की इज्जत पर कोई हरफ नहीं आएगा, मगर चची जान के चले जाने से इस घर के दरों दीवार हिल जाएंगे। इफ्फी के ना होने से इस घर में उदासियाँ फैल जाएगी। चाचा जी आपको अगर राजा से थोड़ा सा भी प्यार है तो इन्हें रोक लीजिए। मैं आपका ये शान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा बेटे, अच्छा मीनू बेगम, इफ्फी बेटे हमें माफ कर। मम्मी आज तो ये लड़की काम आ गई। मैंने तो सोचा था डैडी रोक ही लेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला गंभीर हो चला था। बाय द वे, ये वाकई तलाक का डिमांड है तो? अरे कहाँ, इस पर तो धोबी के कपड़े लिखे हुए हैं। ईमान से? ईमान से। आखिर वो ना मेरी मम्मी। आपसे माफी मांगने आया था। किस बात की बेटा? उस गुस्ताखी की जो मैंने आपकी शान में की। आखिर आप मेरे डैडी हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। नहीं नहीं बेटे, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़े माफ कर दिया। थैंक यू डैड। अच्छा मैं चल। डैड एक जरूरत पेश आ गई थी, लेकिन वो खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम एकदम पागल है, नहीं आता दाई बनाता नहीं मरता। अरे तुम क्या करते है? इंतजार। मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। हेलो राजा। लो वो आ गई है, साथ में अपने यार को भी लेकर आइए। नहीं अरे हमको तुमसे मतलब है, नहीं तो जो आप हम पे उठता है काट देता हूं। राजा तूने नौशी की दोस्ती तोड़कर कैसे लोगों से दोस्ती करी? नौशी तू तो बहुत ऊंचा आदमी है, ऐसे छोटे आदमियों से तेरा क्या मेल? मत मिला करी है। मैं कब मिलता हूँ, खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो, खुश तो हो ना? हाँ हाँ इतनी खुश हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कौन है? इफ्फी मुझे मुझे बहुत प्यार करता है। और तो? मैं भी करती हूँ। तू जो कहता था प्यार करना इबादत है, क्यों मोल लिया अभी तक नाराज हूँ? देख यार, मैंने वो सब धंधे छोड़ दिए हैं जिससे तू रोका करता था। आज आज मैं इफ्फी के साथ जिसका प्यार बनकर उसके घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो मुझे यही सब कुछ बताने आई हो? हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें सुखी देखकर भला मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? बैठो ना। नहीं अब नहीं, फिर आऊंगी। मेरा इंतजार करना राजा। चलो इफ्फी, बाय बाय। Thank you.
गार्डनर, चोकरी ने जूता दिखा दिया नहीं? दादा, अरे अभी गुस्सा क्यों करता है? आजकल का चोकरी लोग तुम्हारे जैसे कंगले को किधर लिप देता है? अभी भी वक्त है अपना जिंदगी बनाने का, क्यों घुट घुट के मरता है? दादल दादल तू मौला कसम राजा बना दूंगा, तुम्हारे यार जैसी कई रानियां तुम्हारा कदम चूमेगी। नहीं दादल नहीं। अरे अभी भी इनकार नहीं करो, इससे अच्छा मौका औरंगजेब से बदला लेने का कौन सा मिलेगा? इधर तुम आ करो, उधर तुम्हारा काम बना नहीं। राजा भैया आपकी कार, हमें गुब्बारे ले दो ना राजा भैया, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे राजा भैया, बोलो ना भैया। बंद करो ये बकवास, जाओ चले जाओ यहाँ से, कोई राजा नहीं लेता, कोई गुब्बारे वाला नहीं लेता, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा राजा मर चुका है, मर चुका है राजा। जाने क्यों लो गम का सोग मनाते हैं, जाने क्यों लो गम का सोग मनाते हैं, हमको जितने गम मिलते हैं, हंसते हैं लहराते हैं, जाने क्यों लो गम का सोग मनाते हैं। दिल में है अब दर्द बसा, जिन होंठों पे थे गीत सजे उन पे है दुनिया का शिकवा, जिन आंखों में वो रहते थे अब आंसू लहराते हैं, जाने क्यों लो गम का सोग मनाते हैं। सुबह नया एक दर्द मिला, हर शाम नया एक गम पाया, इस झूठ फरेब की दुनिया में हमको ही ना जीना आया, हम जैसे टूटे दिल वाले दीवाने कहलाते हैं, जाने गम का सोग मनाते हैं, हमको जितने गम मिलते हैं, हंसते हैं लहराते हैं, जाने क्यों लो गम का सोग मनाते हैं। कैसी लगी आप? ठीक है,
मामी, मैं नौशीद शाही का। डैडी ने मखमल टाट का जो पैबंद लगाया है, जबरदस्ती की मंगनी का जो बंधन जोड़ा है, आज मैं उसे तोड़ दूंगा। इसे तोड़ना तुम्हारे बस में नहीं। ये मेरे डैडी। तो फिर चुप क्यों हो? अपने डैडी को बताओ ना कि आप मैं इनके होने वाली बहू हूँ। उन्हें ये अंदाजे गुप्तों को जेब नहीं देता। मुझे क्या जेब देता है क्या जेब नहीं देता ये मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। इफ्फी, जैसे तुम इस लड़की को लाए हो वैसे ही वापस ले जाओ। इस किस्म की लड़कियाँ हमारे शरीफ घराने की बहुएं नहीं बन सकती। डैडी, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। इफ्फी, इफ्फी को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक है और ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। रही गई शराफत की बात, सुसर जी, आपकी इस होने वाली बहू में शराफत अपनी सालची से कुछ ज्यादा ही लगती है। कम से कम आपके सामने आपकी बहू, होठों में दबाए हुए सिगरेट, आपकी इज्जत, आन बकार और शराफत को धुएं में नहीं उड़ा रही। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे क्या समझ कर बात कर रही हो? वही जो एक जालिम और बदमिजाज सास को नई नवेली बहू समझती है। बकवास मत करो, मैं थप्पड़ मार दिया करती हूँ। मुझे भी जवाब देना बड़ी अच्छी तरह आता है। सेठ साहब, पहले अपने घर को संवारिए, ताकि आप जब किसी को गाली दें वो गाली सिर्फ उसी के लिए हो, आपकी तरफ ना लौटे। तुम हद से बढ़ती जा रही हो लड़की। ये तो इब्तिदा है सुसर जी, आगे आके देखिए पता है क्या। चलो इसे डालें, हमें हमारा कमरा तो दिखा। आओ। बीबी, तुम्हें उस बेअदब की जुबान काटनी पड़ेगी। वो इतनी आसानी से मेरे ऊपर कीचड़ उछालकर इस घर में नहीं रह सकती। उसने किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। मैं जो बात भी कही सच्ची और सीधी कही। उस वक्त उस बात का ना तुम्हारे पास कोई जवाब था और ना अब तक मेरे पास कोई जवाब है। बीबी, बस दिल कहीं गए, भूल गए। वो इसी से शादी करना चाहती है, राबिया की जगह लेना चाहती है। हाँ तो ठीक ही तो है, मासूम राबिया की किस्मत में शायद इफ्फी जैसे तंग नजर शौहर के दिए हुए दुख और तुम्हारी जैसी जालिम सास के जुल्म नहीं लिखे। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैंने कहा था ना, मुझे जवाब देना बड़ी अच्छी तरह आता है। आप शायद भूल गई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जलील कमीने। हाँ, आपके साथ जुबान भी काबू में लाइए बेगम साहिबा। मैं जबान भी काट दिया करती हूँ। गोली खिलाकर सुला चुकी है। क्यों? ताकि खुलेआम आपसे मुजाकर कर सकूं। होने वाली सालची एक ही थप्पड़ से कांपने लगी। अभी तो मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सारी जिंदगी और तेरे साथ? जी हाँ, और वो भी इस शर्त पर कि आप अपनी बेहुदा अंदाज बदल कर एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी और होने वाली अच्छी सास बनकर रहोगी। नहीं तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? लगता पंद। हेलो बेगा। मैं तो कहता हूँ ठीक हो ही जाओ मीनू बेगम, वरना वो वाकई लता पन देगी। इसे बेटे,
इसे बेटे देखो नौशी ने मुझे बेटा बेटा मत कहिए। अरे तुम भी उल्टा मुझसे नाराज हो और वो भी अपनी मम्मी से। मम्मी अगर आप मेरी मम्मी होती तो नौशी से ऐसा सुलूक ना करती। क्या सुलूक किया है मैंने? थप्पड़ मारे, गालियां भक्ती हैं, घर से निकाल देने की धमकी दी। ये झूठ है, ये सच है। खुदा की कसम प्यारी अम्मी, अगर आप मेरी होने वाली सास ना होती तो ये इसका जवाब पत्थर से देती। बस ये भी कम हूँ और आप जो बुढ़ापे का दब आपको बचा गया। सुन लिया आपने, इसे कहते हैं फरमाबरदारी। ये फर्मा बर्दारी नहीं इफी बेटे, सीना चोरी है। मैं इस कमीनी का गला घोट दूंगी कीमा कर। होश में आइए मम्मी, मैं देख रहा हूँ आप ज्यादती पे ज्यादती किए जा रही। इफी इफी की आपको वार्निंग है मम्मी, अपने आप को बदलिए वरना। वरना क्या होगा? वही जो मंजूर खुदा होगा। प्यारी साथ जी, वो राबे आई थी जो आपकी हर बात अपना मुकद्दर समझकर सह लेती है। मैं बड़ी और किस्म की लड़की हूँ, अगर आपको तीर की तरह सीधा ना किया तो अपना नाम भी नौशी नहीं। एफपी डोंट शाउट, बाय बाय बाय। मैं जाऊँ, सीटी बज चुकी, ट्रेन चल चुकी, अब वापिस ना जाइए ना। बात बंद करो। थप्पड़ नहीं मारेंगे मीन साहब? नहीं आपका, नहीं नहीं नहीं। मैनू क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आप कितने बदल गए। मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन लेकिन राबिया बेटी का क्या बनेगा? वही जो उसके मुकद्दर में लिखा, तुम इसी पोजीशन में चुपचाप सो जाओ। कर दिया, जहाँ इतनी हालत बदली है वहाँ सिगरेट पीना भी छोड़ दीजिए ताकि मेरे जहन में बसी हुई सांस का तसव्वुर पूरा हो सके। आई से यू गेट आउट। फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, इससे जल्दी बन नहीं गया। मैं लगता तोड़ देंगे। हाँ हेलो राबिया डार्लिंग, क्या हो रहा है? ये तो वही लिबास है जिसे पहनकर मैं दुल्हन बनूंगी, मगर ये तो दरिया उसके हाथ से ले गया था। हाँ मैंने जबरदस्ती वापस मंगवा दिया है। क्यों? इसलिए कि मैं अपने हाथों से इस पर गोटा किनारी लगाना चाहती हूँ। अरे वाह 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 राबिया डाली, तुम भी कमाल लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो इस चोरे को आग लगा देती। क्यों जी? इसलिए जिया कि ये जोड़ा पहले तुम्हें पहनना था और अब मैं पहनूंगी, यानी तुम्हारी जगह ले ली है। कौन किसी की जगह लेता है नौशी बीबी, ये सब नसीबों की बात है। इंसान को खुदा के बनाए हुए नसीबों से इनकार नहीं करना चाहिए। अरे भाई यही तो मैं सब घर वालों को समझाती हूँ मगर कुछ समझता ही नहीं। तुम्हारे सिवा सब इस शादी के खिलाफ है। क्या ऐसा नहीं हो सकता दिया जाना कि तुम सबको मना लो और सब इस खुशी में शरीक हो जाए? घबराइए नहीं, ऐसा ही होगा, सब इस खुशी में शरीक होंगे। मैं अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा नौशी बीबी। क्या? मेरे चाचा जी बहुत दुखी हैं, आप उनकी बहू बनकर घर आए तो उन्हें कोई और दुख ना दीजिएगा। मैं वादा करती हूँ राबिया, मैं तुम्हारे चाचा को ऐसा सुख दूंगी, ऐसा सुख दूंगी जिसकी वो परसों से तमन्ना कर रहे हैं। हाँ लेकिन तुम भी अपनी बात
मत भूलना। कौन सी बात? अरे वही, अपने हाथों से दुल्हन बनाने वाली। बाय बाय। भागने की कोशिश ना करना राजा। राजीराज के क्या था अंदर साहब? मुखबरी बड़ी मजबूत है राजा, एक जुर्म की निशानदेही होने दो, बाकी जुर्मों की तफसील तुम खुद ही बताओगे। ये क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम था अंदर साहब, आप यकीन करें मैं इन चीजों के मुताबिक कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं बताता हूँ मिस्टर राजा, ये जेवरात का इकबाल ज्वेलर्स पर पड़ने वाले डाके में लूटे गए और इस असलहे का ताल्लुक किसी खतरनाक गिरोह से लगता है। मैं तुम्हें नाजायज असलहा और डाका देने के केस में गिरफ्तार करता हूं। आप किस सिलसिले में? वो जी मैं राजा का दोस्त हूँ, मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, किसी की टैक्सी चलाता हूँ। शेफ बहुत शरीफ लड़का है, इसने क्या किया है? इसके खिलाफ डाकाधनी और चोरी का केस है। डाको चोरी तो नहीं, इसने तो कभी पेंसिल तक नहीं चुराई, इतना बड़ा केस कैसे कर सकता है? ये गरीब आदमी तो गुब्बारे बेचता है। आप ऐसा करें, इसे खोल दे, मुझे बांध ले जरग माल के तौर पे, बस राशन टाइम पे मिलना चाहिए। खैरिये थानेदार साहब, हमारे होते हुए राजा हवालात में बंद नहीं हो सकता। थानेदार साहब, राजा बहुत शरीफ आदमी है, इसके साथ किसी ने शरारत की है। किसने की है, किस लिए की है, क्यों की है, ये राजा बहुत अच्छी तरह जानता है। क्यों राजा? ये रहा जमानतनामा। सुना था कानून अंधा होता है, सो आज देख भी लिया। यानी राजा जैसे शरीफ आदमी को। ठीक है, मैं जमानतनामा दाखिल के लेता हूँ, आप राजा को ले जा सकते हैं। थैंक यू थानेदार साहब। आओ राजा। शुक्र करे थानेदार साहब, आपका राशन बच गया। मगर ये राजा कहीं छोटी हवालात से निकल कर बड़ी हवालात में ना चला जाए। जैसी जिंदगी में राजा भैया तुम चले गए तो हमें खेलने के लिए गुब्बारे कौन देगा? गुब्बारों से खेलना बंद कर दूं मैंने, इसलिए कि ये सब भी मेरे सीने की तरह फट चुके हैं। चल चल। तुम पहली बार वारदात करने जा रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा मुश्किल ड्यूटी नहीं दी जा रही। तुम रोजाना की तरह गुब्बारे बेचते हुए उस इलाके में दाखिल हो जाओगे। और फिर तुमने क्या करना है ये तो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा। हाँ, जरा हौसले से काम लेना। हौसला तो बहुत है सेठ। गुड राजा, वेरी गुड। अब तुम जा सकते हो, बस तुम्हारा इतना ही काम था। अपनी जगह से जो भी हिला जिंदा नहीं बचेगा। राजा तुम इनसे अलग हो जाओ, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। इजाजत है शेर साहब। अगर आपने दूसरी गोली चलाई तो मैं राजा की खोपड़ी लादूंगा।
इसे जल्दी चले जाओ, जल्दी जल्दी। Thank you.
रहा है साहब, ये मजाक नहीं तो और क्या है? तुम दुल्हन का लिबास उतार किस तरह मेहमानों के सामने आ गई हो? इसलिए साहब कि ये नाटक आपके इन मेहमानों के सामने ही खत्म होगा तो दाद मिलेगी। नाटक खत्म हो? ये क्या कह रही हो नौशी? वही जो आप समझ न सके साहब। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ अरसे तक आपके जज्बात से खेलती रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बेशुमार लड़कियों के जज्बात से खेलते रहे। नौशी में और आप में एक फर्क है साहब। दौलत के बल पर आप लड़कियों को अपनी तरफ राजी करते हैं और मैं इन नोटों के खातिर आपको अपनी तरफ। जानते हैं ये नोट मुझे किसने दिए हैं? आपके डैडी ने। डैडी ने? जी हाँ, आपकी डैडी ने, जिनसे मेरी पहली मुलाकात इनकी जेब काटते वक्त हुई, दूसरी मुलाकात न्यू स्टार क्लब में, उस वक्त जब चारों तरफ रात की खामोशी थी और मैं अपनी सोचों में खो गई, सिगरेट के आखिरी कश ले रही थी। जिसमें हर बचते हुए साजों का हंगामा नहीं, कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। और ना तो मैं तुम्हें इस वक्त ड्रिंक ऑफर कर सकती हूँ और ना ही सिगरेट, क्योंकि सिगरेट का पैकेज भी मेरी जिंदगी की तरह खाली है। सेज जाओ, जाओ सेज, फिर तभी आ जाना। कब? जब बाड़ खुली हो और मैं तुम्हें शराब पिलाकर लूट सकूं। तुम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो, तुम्हारी इसी खूबी ने मुझे तुम्हें ढूंढने पर मजबूर किया है। मुझे तुमसे एक सौदा करना है। इस तरह क्यों देख रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना है सेठ, अच्छी तरह पहचाना। तो फिर बताओ भला हम कब और कहाँ मिले? लाखों बरस पहले।
अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। तुम वही मर्द हो ना सेठ, जो सिर्फ अपनी बेटी को बेटी कहता है, अपनी बीवी को इज्जत समझता है, अपनी माँ बहन के तकद्दस के पक्ष में खड़ा है, और जब उसे किसी गैर की बेसहारा माँ बहन और बेटी नजर आती है तो उसे ललचाई हुई नजर से देखता है, खुद से उसकी इज्जत का सौदा करता है। मैं बेसहारा जरूर हूँ सेठ, काम आ नहीं, काम खोल कर सुन लो, मैं कभी किसी सेठ के बिस्तर की जिनत नहीं बनी, बल्कि हमेशा उसे लूट कर जेल की हवा खाई है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरा सब कुछ लूट लो और जेल जाने के बजाय मेरी बेटी बन जाओ। बेटी? सेठ साहब। हाँ बेटी, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं सेठ जरूर हूँ लेकिन मेरे सीने में एक दुखी बाप का दिल है। मेरा मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं सेठ साहब नहीं, मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ कि आपको मुझसे किस किस्म की जरूरत हो सकती है। बोलिए क्या चाहिए आपको? तुम्हारी मदद। मेरा ये बेटा है जिसे माँ के रूप में एक औरत ने बिगाड़ा है, जो इसी माहौल की रंगीनियों में खो गया है, अगर तुम चाहो तो इसे सीधे रास्ते पर ला सकती हो। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? बास गुना रात की तारीकी में सरदर्द हो जाया करते जो नजर नहीं आते, तुम अपने गुनाहों की गठरी में फरेब का जाल बिछाकर एक ऐसा और गुनाह शामिल कर लो जिसे एक बाप की इज्जत महफूज हो जाए। आपने अपनी मजबूरियों की झोली फैलाई है सेठ साहब, इसमें खैरात डालने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। सारी जिंदगी जिस लफ्ज को सुनने के लिए ये बेटी तरसती रही है सेठ साहब, आज आज किसी ने बेटी कहा भी तो अपनी जरूरत के लिए। चलो किसी ने कहा तो सही। तो साहब ये थी आपके डैडी से मेरी दूसरी मुलाकात, जिसके बाद मैंने एक स्कीम के तहत आपको अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, आपको सीधी राह दिखाते हुए इस घर तक पहुंची, और आज काम खत्म करके वापस जा रही हूं। नौशी ने जो कुछ कहा है सच है? नहीं 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 नौशी, ये तुमने क्या किया? खुदा रख कर तो भी सब झूठ है, तुमने मुझसे प्रवण नहीं किया, तुम्हें मुझसे प्यार है। कह दो नौशी, कह दो। हाँ मैं प्यार करती हूँ, लेकिन आपसे नहीं, उस राजा से जो बरसों से मेरा इंतजार कर रहा है। नौशी, मुझसे बेवफाई करने से पहले इतना तो सोचा होता कि मैं तेरे बगैर कैसे जीऊं? जीना कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, जिन बेशुमार मासूम लड़कियों से आपने बेवफाई की थी वो भी तो आखिर जी रही। नौशी, आज आपको एहसास हुआ है मोहब्बत का धोखा कितना तकलीफ दे होता है? तुम मुझे यह सबक देने आई थी? ये मेरा ख्याल है ये सबक आपको हमेशा याद रहेगा। नौशी! क्या कर रहे हो इतनी? पागल हो गए? हाँ मैं पागल हो गया, मुझे छोड़ दीजिए डैडी, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसकी जान ले लूंगा। धोखा इसने नहीं, हमने तुम्हें दिया है, जान से मारना है तो इसको नहीं हमें मारो। इसकी बेटे बूढ़ी जान में जीने के लिए कोई तमन्ना इसलिए भी नहीं रही कि आज एक बेटे को सीधी राह पर लाने के लिए बाप की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। लेकिन आपकी नित नई कोशिशों ने मेरा सुख चैन छीन लिया। आप कैसे बेटी औलाद को सुख देने की बजाय
उस पर जबरदस्ती दुखों का बोझ ला रहे हैं, उसकी राह में कांटे बिछा रहे हैं। जिन्हें तुम अपने लिए कांटे समझ रहे हो वो कांटे नहीं, हमारा दर्द है पीक। आज तुम इनकी चुभन अपने दिल में भी महसूस करो। बेटे, जिसे तुम बोझ कह रहे हो इस घर की इज्जत है, और कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी इज्जत पर फख्र तो कर सकता है, उसे बोझ नहीं समझ सकता। याद रखो इसकी बेटे, जो लोग मां बाप को दुख देते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते, कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में उनका सिया उनके सामने आ जाता है। लेकिन आज एक बाप अपने बेटे को यह दुआ देता हुआ हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह रहा है कि तुमने हमें जितने भी दुख दिए हैं, खुदा करे तुम उतने ही सुखी रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप समझते क्यों नहीं चाचा जी कि मैं वाकई एक बोझ हूँ, और बोझ सिर्फ गरीब लोग उठाते हैं, इसी जैसे अमीर साधे नहीं। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी कैसे? आप मुझे मेरे गांव छोड़ाइए कि वहाँ की भूल ही मेरा मुकद्दर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी चाचा जी, मुझे बाहर छोड़िए। तुम्हारे पत्र में उस इंसान का सहारा लिखा है जो आज तक अपने आप को नहीं समझा, जो उड़ती तितलियों के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागता रहा, लेकिन जिसके हाथ कल की तरह आज भी खाली, इन खाली हाथों को पूरे साथ ये समझकर हमेशा के लिए कबूल कर लो रहा कि आज इन्हें अपने फर्ज का एहसास हो गया। खुशी मुबारक हो सहसा। नौशी नौशी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम तुम्हारे इस एहसान के बदले में तुम्हें क्या दें। लेना देना क्या है सहसा, अगर हो सके तो एक बार फिर बेटी कह दीजिए, काफी है। रोशी, रोशी बेटे। जवाब दे दिया है, मेरा राजन नहीं मर सकता, मेरा राजन नहीं मर सकता।